अरे वाह, आज खाने में क्या सुना सांस ले सांस ले। है? अरे क्या कर रही हो? क्या क्या कर रही हूँ? सांस ले रही हूँ ताकि गुस्सा नहीं आए। ठीक है, अरे कितना गुस्सा आता है तुमको? चलो छोड़ो, तुम्हारा दिन कैसा था? मजाक उड़ा रहे हो क्या? तुम्हारा दिन कैसे था? मेरे को दिन अलग अलग होते हैं क्या? बच्चे लपंटरगिरी में मस्त हैं और तुम्हारी जो माँ है, क्या बताऊँ, किट्टी से वापस नहीं आई है। लेकिन बता दे कहाँ है, कौन सी किट्टी में है। अरे बेटे की तनख्वाह क्या बढ़ गई? पर निकल आए माता जी के, वापस आके मुझे बोलती है, अरे बहू ये देखो कुर्ती के साथ ना पिलाजो चले हैं, पिलाजो। अरे मुझे घर से फुर्सत मिले ना तो मैं भी ना हीरोइन बन के ठाए बन के घूमूंगी बाहर। हाँ ओहो, तुम बढ़िया मेरी है। हीरोइन ही तो हो। कुछ नहीं वो छोड़ो, और ये देखो अभी तुम मम्मा बिट्टू शक्ल। बिट्टू, मैं बता रही हूँ तुम्हारे बच्चे ना बिगड़ रहे हैं सच में। तुमको कितनी बार मैंने बोला है कि घर पे नहीं खेलना है। तुम आए हो ना अभी नीचे से, नहाने जाओ तुम अभी, ना होमवर्क ना कुछ, नालायक का नालायक बनता जा रहा है दिन भर। अच्छा बिट्टू चलो, बेटे माँ की बात सुन लो, नहा लो। पता नहीं बच्चों का क्या होने वाला है। अच्छा कौन है ये? ये देखो याद है तुम्हें, ये देखो ये याद है तुम्हें, याद है कौन? कौन यार? भगवान भला करे यार मेरे पति का, तुमने ही तो दिखाई थी ना ये मैडम मुझे पिछले साल दिवाली कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कनिका, कुछ कुछ याद आया ओ तुमको? हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया था। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उस टाइम पे मैंने इनको एफबी पे लाइक कर दिया था उसी समय। ठीक है ना, मैं भी मॉडर्न हूँ, मैंने इनको लाइक कर दिया था। तुम मानोगे नहीं यार, इनका स्टूडियो उन्होंने यही खोला है 56 सेक्टर में, नुक्कड़ में है वो तो बताओ। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, इन्होंने ना बच्चों के लिए आर्ट क्लास शुरू कर दी है। दोनों बच्चे हमारे जा सकते हैं यार इसके अंदर, कितनी बढ़िया बात है। नहीं बस एक चीज है, वो अंग्रेजी बोल रही है, उसमें कुछ क्रिएटिव क्रिएटिव कुछ तो वर्ड है वो समझ में नहीं अरे आया क्या अरे, मतलब क्रिएटिव होता है इसका। मतलब जो भी, मतलब जैसे कोई भी चीज मिल जाए उसको सुंदर कैसे बनाया जाए। अच्छा ये बेसिकली ये कह रही है कि आगे जाके ये क्रिएटिव चीजें भी काम आती है, मतलब आगे लाइफ में कुछ भी चाहे अच्छा बनाना चाहो, सुंदर बनाना चाहो तो बना सकते हो। पर सुशीला, ये आर्ट क्लास वार्ट क्लास पता नहीं है कैसे काम आएगा जिंदगी में आजकल। अरे आजकल तो काम में, तो रियल लाइफ में तो आजकल एक्सेल और पीपीटी से ही काम चल जाता है। बच्चों को क्या सीखना है आर्ट क्लास? कितनी बढ़िया बात बोली तुमने। नहीं तुम भी पीपीटी और एक्सेल ही करते हो ना सुबह शाम, करते हो हाँ कि नहीं? हाँ हाँ तुमने अपना चेहरा देखा है? अरे तुम खुश हो? तुम खुश नहीं हो? तुमने चेहरा देखा है अपना? 40 साल के हो तुम, लगते कितने के हो? 50 साल के लगते हो तुम। आईना देखो जरा जाके, क्योंकि तुम्हारा जो एमएनसी है वो एमएनसी नहीं है, वो सरकारी नौकरी कर रहे हो तुम, सरकारी नौकर हो। समझ में आ गई तुम्हें? ना तो कुछ तुम सोच सकते हो अपना नया, जैसे ये मैडम बोल रही नया सोचना, ये तो कर ही नहीं सकते, तुम फंसे हुए हो इसलिए। ना नया सोच सकते, ना नया कर सकते इसलिए। अच्छा हाँ तो हाँ तो अरे यार मुझे अपने बच्चों के लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, समझ में आ गई? देखो सच बात बोल रही हूँ मैं तुम्हें, बुरा मत मानना। तुम इस घर में तो पेइंग गेस्ट हो, आते हो जाते हो, आते हो पेइंग घर मतलब समझते हो पे, तुम हमें पैसे देते हो और तुम गेस्ट हो। ठीक है, तुम्हारी माता जी तो खैर भगवान भला करे उनका, कहाँ रहती है कुछ पता नहीं है। कौन देख रहा है बच्चों को? मैं देख रही हूँ। तुमको पता है तुम्हारी जो बेटी है गुड्डी, यार क्या ड्रॉइंग बनाती है वो, पता है इतनी सुंदर ड्रॉइंग बनाती है। 15 साल की है, 16 लगने वाला है। लड़कों वड़कों के चक्कर में फंस गई ना, हम फंस जाएंगे, इससे अच्छा है क्लास में डाल दो, उसका वो आर्ट भी निकल के आएगा, सीख भी लेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, और पैसे 2400 है यार महीने के, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। हमारी जो माता जी है तुम्हारी, वो अपना एक किट्टी काम कर देगी तो कोई दुनिया से फैशन तो खत्म नहीं हो जाएगा, है ना? बढ़िया है, पिलाजो सिखाने वाली मुझे, बताओ कर अरे सकते कि नहीं हम ये? अरे क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हो यार, बुजुर्ग है, करने तो जो मन करे। अरे वाह बेटे, वो बुजुर्ग है उनको करने दो, बच्चे बच्चे उनको करने दो जो मन किए हैं जी। आप तो कमा के ला रहे हैं ना, आप भी कर लो। मैं ही हूँ, मेरी इच्छाओं का कुछ है क्या, कोई मायने है इस घर में मेरी इच्छाओं का? अच्छा बोलो सब क्या, अपनी चलाते रहो बस। अच्छा बोलो क्या चाहिए? मुझे बस चाहिए कि ये दोनों बच्चे उस क्लास में चले जाएं। लड़की में तो वैसे ही है ये ड्राइंग और इन सब का शौक है, वो सीख जाएगी, और ये नालायक बिट्टू भी कुछ लटक के सीख लेगा वहां पर। कोई एक बच्चे हैं क्लास में, सीख लेंगे एक दूसरे से, भला ही होगा ना बच्चों का। डलवा दो उनको फीस। अरे यार तुम्हें जो ठीक लगे यार, तुम ही तो सही सोचते हो इस घर में। मैं तो सरकारी नौकरी हूं ना।
अच्छा ठीक है, मेरा वो मतलब नहीं था, तुमको खराब लग गया क्या? मेरा वो मतलब नहीं था, देखो मैं बैंगन का भट्टा बना रही तुम्हारे लिए, तुम्हारा फेवरेट है ना। अच्छा आई एम सॉरी। अच्छा और एक और चीज़, थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल। देखो मैं नया अंग्रेजी भी सीख रही हूँ ताकि तुमको समझ में आए ज़्यादा, ठीक है ना? तुम अपना हाथ मुँह धो लो, अभी मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है?